For information on the news around you, keep watching FaceTalk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. FaceWatch के अगले हमारे विचार हैं। देखिए नव निर्वाचित प्रधान बने हैं राजकुमार जी। अक्सर जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए जो महिला सीट होती है वो बहुत कम सामने निकल कर रहती है, लेकिन ये खुशी की बात है कि महिला भी हमारे साथ बैठी है। आइए उन दोनों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर अब वो काम करें। सर पहले तो फेस वाटर की टीम आपको बधाई देती है कि आपको जनता ने चुना है, अब जनता ने चुन ही लिया है तो किन किन मुद्दों पे काम होगा, लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए। नाम विपिन है, गांव का नाम पपुंडा, गांव पपुंडा। और मैं ये चाहता हूँ कि उम्मीद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लिए विकास करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ, जैसे आपकी ये बीमारी चल रही है, जूझ रहे कुछ आदमी आपसे बात कर। सर मेरा पहला सवाल, जनता के बीच जब आप गए थे तो आपने कुछ वादे किए, वो कौन कौन से वादे? कुछ लेडीज है, कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनों के पास अपना खुद का मकान तक नहीं है, छत नहीं है उनके मकान पर, और बहुत ज़्यादा परेशान से जूझ रहे हैं, तो उनसे वादे करें कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाएगी, आपका मकान तैयार कराए जाएंगे कि आगे को आप हमें परेशान ना हो। उन्होंने जितने घर पर छत देगी इस बार आपके गाँव में सौगात में उनको छत मिलेगी, छत मिलेगी, अपनी माँ से ये प्रयास पूरा करा जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि उनको आगे से जो उम्मीद पे मैं उन्होंने मेरा सपोर्ट कराया कि उनकी वो उम्मीद ना टूटे। अच्छा मैम, नारी शक्ति को लेकर आप क्या क्या विचार है? नारी शक्ति को ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो बिचारी जिन पे नाम भी लिखने नहीं आते उनके लिए कोई टीचर आए, अपना नाम लिखे हो ताकि कहीं साइन करने में उन्हें दिक्कत ना हो। और जी जो मजबूर हैं, जो रोजगार बेचारे रोज के खाने कमाने वाले हैं, उनके लिए कोई काम आए, अपना काम करें। तो ऐसी कोई योजना लेकर आएगी इस बार आप? जी हाँ जी, कोशिश पूरी करूंगी, क्योंकि मैंने इस चीज का वादा करा है सभी से जी, और मैं इसलिए ही खड़ी हुई हूँ ताकि मैं गरीबों को देख पाऊँ। अच्छा जी सर, आप उनकी बात से सहमत हैं? सर हम दोनों की बात एक ही, जो वादे हमने किए हैं, जिस वादे पे पब्लिक ने हमें, मतलब की हमारे भाइयों ने और बुजुर्गो ने, माता ने, सबने सपोर्ट किया है, उनसे हमने कुछ विश्वास दिलाए, वो विश्वास हम चाहते हैं कि वे टूटे ना। अच्छा खेल के मैदान की मांग है आपके गांव में, जो अभी तक तब तक प्रधानी चालू हुई अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन नौजवानों का कहना है कि इस बार खेल का मैदान अगर गांव में बने तो बहुत अच्छा होगा। क्या आपके गांव में इस बार सौगात में या तोहफे में नौजवानों को खेल का मैदान मिलेगा? खेल का मैदान तो जाएगी जो जगह है उसके लिए जो सुविधाएं आएंगी खेलने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा जाएगा कि वो भी आए और जगह भी निकाले जाए। तो आप उससे आज वादा करते हैं कि इस बार तोहफे में नौजवानों को खेल का मैदान मिलेगा, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा? हाँ जी जी, वो वादा मैं करता हूँ कि आपको, मतलब सभी को, हमारे किसी भी नौजवानों को जो उम्मीद उन्हों की है वो आप उन्हें भी टूटेगी नहीं। मैं मैदान का ये जो आप बता रहे हो उस खेल के बारे में वो करूँगा, प्रयास है मेरा पूरा और उम्मीद है, उम्मीद इस बार पूरी हो। हाँ पूरी होगी। अच्छा अभी आप कह रही थी कि कुछ महिलाओं के लिए हम रोजगार लाएंगे और जो साइन करने में असमर्थ है वो पढ़ लिख ले, क्या आपको लगता है कि गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें ऐसी महिलाएं भी आगे पढ़े, और होगी इस बार गाँव में लाइब्रेरी? हाँ जी होगी। कैसे होगी इसके लिए क्या? इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ के थोड़ी अभी मतलब हिम्मत दिखाएंगे, इसकी मेहनत करके, मतलब जिससे लाइब्रेरी आए यहाँ पे, और मैडम मतलब कि सभी को किसी चीज की दिक्कत ना हो, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें। मतलब इस गांव में लाइब्रेरी भी मिलेगी? होनी चाहिए। उस लाइब्रेरी में नेट भी होना चाहिए जिससे कि ऑनलाइन सभी को, विद्यार्थी जो पढ़े उन्हें पता हो। जी होना चाहिए जी। तो होगा, देखो अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे। कई बार कोशिश कामयाब हो जाती है। कामयाब होगी तो अच्छी बात है। तो अब दर्शकों देखिए, इन्होंने मुझसे वादा किया, अभी तक इस गांव में ना तो लाइब्रेरी है, ना खेल का मैदान है और ना नेट है, लेकिन आज इन्होंने कहा है कि कोशिश करेंगे। अच्छा कोशिश करेंगे,
कोशिश इस वजह से करेंगे कि हम विश्वास के ऊपर की एक उम्मीद, हमें खुद को नहीं पता था कि हम इस पद पे जो सपोर्ट मिले आपको इस्लाह में लगी आप जीते, तो हम पूरा अपने मायसे पूरा तैयार नहीं, आपको विश्वास है आपने करें कि हम जीते, आपको पता था नहीं। अच्छा, लेकिन अब आप जीत ही गए, हाँ, तो वादे पूरे हो गए, अपनी माँ से पूरा प्रयास करा जाएगा, वादे मैंने पहले भी नहीं किए थे, वादे भी नहीं करूँगा, मैं तो ये करूँगा कि वो काम वादे करने से ना हो करने से हो। फर्स्ट टाइम आप प्रधान बने, आपको कोई मार्गदर्शन या कोई गुरु है? जी सर, हमारे गुरु सब जो भी है बड़े हैं, बुजुर्ग है, तो गांव के बुजुर्ग जो है बड़े वो आपके गुरु हैं। हाँ, मतलब जो भी योजना लेकर आएगी पहले आप डिस्कस करेंगे गाँव में, पहले बैठा कर वे के नाम में हमें बताएंगे किस रास्ते पे चलना, क्या करना है, इसके बारे में सभी से सलाह ली जाएगी, तब जाकर आगे कार्य करेंगे। जब जाके कार्य जी, आप कुछ कह रही थी, कहते कहते चुप हो गए जी। मेरा कहना तो ये है, देखो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारा कर्तव्य बनता है उनसे पूछने का, और हमारे बड़े हमारे परिवार में भी है, सबसे पूछना हमारा अधिकार है। लेकिन अक्सर जी बात चल रही थी सुरक्षा की, क्या गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए? लगता आपको लगने चाहिए? हाँ। लगने चाहिए, अच्छी बात है, लगेंगे। नहीं, लगने चाहिए या आप लगवाएंगे? जी लगवाएंगे। सीसीटीवी कैमरे जी पक्का? आज आप वादा करेंगे? देखो इस चीज का वादा तो कर नहीं सकते कि आप, हम आपसे वादा कर देंगे फिर बाद में हम झूठे बने, वो अच्छी बात नहीं है ना, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मतलब शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सफाई पे काम किया है। चलिए इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आपने दोनों ने मूल्यवान समय दिया एक समय को लेकर। आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई, कोई कदम उठाया? कदम उठाया है, सैनिटाइजर कराया है, गांव और भी आगे के लिए बहुत कुछ सोचा है, करने के प्रयास करते हैं उस चीज को। पूरे गांव सैनिटाइजर करवाया सर? अच्छा, आपने आपने इनको कुछ गाइडलाइन किया कि दवाई भी बांटनी चाहिए या सफाई कर, कुछ निजी कर्मचारी लगाए सफाई में? जी कर्मचारी लगाए और लगाएंगे, और मैंने इनसे दवा के लिए भी कहा है कि दवा भी कराएंगे घर घर, मतलब जाके।